विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य का पुलिस महकमा और भी सक्रिय हो गया है। यात्रा में अब पोर्टर से लेकर कुक और प्राइवेट लोगों को भी आपदा से निपटने और उस समय की तैयारियों को लेकर और भी जानकारी दी जाएगी। 25 से 26 नवंबर को 2 दिनों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। IGSDRF संजय गुंजियाल ने बताया कि मालपा में हुए हादसे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मास्टर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान SDRF को लगाया गया था, इसी क्रम में इस बार भी जब SDRF को कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान सारे यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया, तो इसमें जो फीडबैक मिला, और इस बार क्योंकि मालपा के पास में काफ़ी बड़ा फ्लड भी आया था और डिजास्टर की वजह से काफ़ी लोग मिसिंग और डेथ हुई थी, इन सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जितने भी कैलाश मानसरोवर यात्री के साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोर्टर्स के रूप में हो या प्राइवेट कुक्स वॉलंटियर्स के रूप में हो या जो KMVN के जो हमारे सरकारी कर्मी हो या गैर सरकारी हो, उनकी एक ट्रेनिंग कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर कोई भी किसी भी तरह के डिजास्टर आए तो क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए, और उस रिस्पॉन्स में जो लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह से यूज करें कि जो डिजास्टर से होने वाली हानि है उसको मिनिमाइज कर सके, इन सभी मैटर्स को लेकर SDRF दारचूला में एक ट्रेनिंग कैंप KMVN के साथ समन्वय करते हुए हम लोग दोनों मिलकर इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें SDRF और KMVN दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ इस ट्रेनिंग को आयोजित करेंगे, और इसमें जो प्रारंभिक तैयारी हो चुकी है